जो आज हम कक्षा 10वीं हिंदी के में व्याकरण को पढ़ेंगे। आज हम व्याकरण में सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों वाक्य। क्या पढ़ेंगे? वाक्य। देखेंगे सबसे पहले कि वाक्य की परिभाषा क्या है या वाक्य किसे कहते हैं। तो वाक्य की परिभाषा है शब्दों का व्यवस्थित रूप। कैसा रूप? व्यवस्थित रूप। शब्दों का व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे वाक्य कहते हैं। जैसे जिससे मनुष्य बातचीत करता है, अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, ऐसे व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। और सामान्यतः वाक्य में कर्ता और क्रिया और कर्म होते हैं। साधारणतः वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया होते हैं। अब है वाक्य के भेद। वाक्य दो प्रकार का होता है। पहले अर्थ के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है, दूसरा रचना के आधार पर वाक्य का विभाजन किया गया है। अब देखते हैं काव्य वाक्य की विशेषताएं। पहला है वाक्य में भावों और विचारों को जागृत करने की क्षमता होती है। वाक्य में भाव और विचारों को जागृत करने की क्षमता होती है। दूसरा है वाक्यों में शब्दों का एक निश्चित क्रम होता है। अभी हमने परिभाषा में पढ़ा कि वाक्यों का व्यवस्थित रूप मतलब वाक्यों का एक निश्चित क्रम होता है। और इसका तीसरा है वाक्य रचना द्वारा स्पष्ट रूप से अर्थ प्रकट किया जाता है। अर्थ को स्पष्ट रूप से प्रकट करने में वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। और इसकी चौथी विशेषता है वाक्य में मधुरता का गुण भी समाहित होता है। वाक्य में मधुरता का गुण भी समाविष्ट होता है। बच्चों वाक्यों का वर्गीकरण। अभी हमने आपको बताया था कि वाक्यों को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, पहला रचना के आधार पर और दूसरा वाक्य के आधार पर। तो अभी हम देखते हैं कि रचना के आधार पर वाक्यों को तीन भेद होते हैं। पहला सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। और अर्थ के आधार पर वाक्यों के आठ भेद होते हैं। पहला है विधानवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। आइए अब हम देखते हैं कि ये जो है अर्थ की दृष्टि से आठ प्रकार के वाक्य होते हैं। अब हम इनको देखते हैं कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य विधान विधिवाचक वाक्य को देखते हैं। विधिवाचक या विधानवाचक वाक्य जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है उसे विधिवाचक वाक्य भी कहते हैं। या जिस वाक्य के द्वारा किसी भी कार्य को करने या होने का वर्णन हो उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए अपेक्षा स्कूल जाती है, इसमें स्कूल जाती है ये क्रिया हो गई, ये विधान हो गया कि अपेक्षा कहाँ जाती है? स्कूल जाती है। फिर दूसरा है अनुनय क्रिकेट खेलता है। क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। वह कौन सी क्रिया कर रहा है? खेलने की क्रिया कर रहा है। तो ये विधानवाचक वाक्य है।
निषेधवाचक वाक्य। निषेध से बच्चों आपको मालूम होगा निषेध का मतलब होता है नहीं या मत या इसको ना करो। तो निषेधवाचक वाक्यों में किसी भी के कार्य के न होने का बोध होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में न होने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है। उदाहरण, मैं आज नहीं जाऊंगा, मतलब ये इसमें नहीं का उल्लेख हो रहा है। इसका नहीं जाने की क्रिया मतलब वो क्या है, निषेधवाचक। जहां पर ना होने का बोध होता है वहां पर निषेधवाचक वाक्य होता है। माता पिता को मत सताओ, मत निषेधवाचक वाक्य है। अब है तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य। तो जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए, जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए अर्थात किसी से कोई प्रश्न पूछा जाए या प्रश्न किया जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या आज परीक्षा होगी, और यहाँ पर ये प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगा मिलेगा। अगर ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है आप देखें उदाहरण में, तो वहां पर क्या है बच्चों, प्रश्नवाचक वाक्य है। क्या पूछते ना, क्या तुम्हारी तबीयत कैसी है, क्या तुमने खाना खाया, तो क्या आज परीक्षा होगी, ये प्रश्न हो गया। तो यहाँ पर क्या है, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। दूसरा उदाहरण है, क्या तुम आज ही वापस जाओगे, ये प्रश्नवाचक वाक्यों के उदाहरण है। अब है चौथा इसका विस्मयादि वाचक वाक्य। विस्मय जिससे हमें कुछ संदेह हो, तो परिभाषा है जिन वाक्यों में आश्चर्य शोक हर्ष आदि के भाव प्रकट होते हैं वहां पर विस्मयादि वाचक वाक्य कहते हैं। फिर से सुनिए, जिन वाक्यों में आश्चर्य या विस्मय हर्ष शोक और घृणा आदि के भाव प्रकट होते हैं वहां विस्मयादि बोधक या विस्मयादि वाचक वाक्य होते हैं। उदाहरण के लिए, अरे तुम कैसे हो, अरे यहाँ पर अरे शब्द के बाद क्या है, ये विस्मय हो गया, अरे अरे तुम्हारी तबीयत ठीक है, तो ये विस्मय हो गया। फिर है आगे वाला आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञा आपको मालूम है बच्चों कि आज्ञा क्या होता है और उसका आज्ञा का पालन करना चाहिए, और आप लोग अभी क्या हो, शिष्य हो, विद्यार्थी हो, तो अपने से बड़ों की गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना चाहिए ना। तो आज देखते हैं आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा और प्रार्थना विनय, आज्ञा प्रार्थना और आदि का वर्णन होता है ऐसे वाक्य आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, माता पिता का कहना मानो, क्या है, माता पिता का कहना मानो। कहना मानो मतलब माता पिता आपसे जो बात बोल रहे हैं या आपसे बड़े जो भी कोई बात बोल रहे हैं उनका कहना मानो। फिर है इच्छावाचक वाक्य। तो वक्ता की इच्छा आशा या आशीर्वाद को
व्यक्त करने वाले वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। वक्ता मतलब बोलने वाला और श्रोता मतलब सुनने वाला। तो यहाँ पर क्या है, वक्ता की इच्छा आशा या आशीर्वाद को व्यक्त करने वाला वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु करे, ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु करे, ये मेरी इच्छा है ना। और दूसरा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ दिल्ली चलो, या मेरी इच्छा है कि तुम मेरे साथ गाना गाओ। तो ये क्या हो गया, इच्छावाचक वाक्य हो गया। अब है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी कार्य के होने में संदेह की स्थिति निर्मित होती है, वहां शंका की संभावना होती है, ऐसे वाक्य संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। फिर से सुनिए, जिन वाक्यों के कार्य होने में संदेह की स्थिति होती है या शंका की संभावना होती है, वहां पर संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। इसका उदाहरण है, शायद बच्चों ने परीक्षा दी होगी, ने परीक्षा दी होगी। शायद, यहाँ पे शायद लग जाता है, वहां पे क्या हो जाती है, स्थिति संदेहपूर्ण हो जाती, शायद कि उसने ये काम किया भी होगा या नहीं किया होगा, इसलिए यहाँ पर शायद शब्द का उपयोग किया गया है। यह शायद शब्द जहाँ पर लगता है, अरे होगा कि नहीं होगा, किया कि नहीं किया, तो शायद बच्चों ने परीक्षा दी होगी, ये क्या है, संदेहवाचक वाक्य है। अब है संकेतवाचक वाक्य। तो जिन वाक्यों में एक क्रिया के दूसरी क्रिया के पर निर्भर होने का बोध होता है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इसके कारण शब्द आदि का भी बोध होता है, क्योंकि जब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित होगी तो वहां पर कुछ शर्त का भी होना। इसका उदाहरण है, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो सुविधा होगी, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो सुविधा होगी। अभी हमने परिभाषा में पढ़ा कि एक क्रिया क्या होती है, दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। तो पहली क्रिया में तुम मेरे साथ, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो ये क्या हो गया, एक क्रिया में अगर तुम मेरे साथ ही दूसरों पे हो गए रहोगे तो मुझको क्या होगी, सुविधा होगी। अगर तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य ही सफलता मिलेगी। सफलता एक अलग क्रिया हो गई, परिश्रम अलग हो गई। अब अगर आप परिश्रम करोगे तो सफलता आपको मिलेगी और नहीं करोगे तो नहीं मिलेगी। फिर अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, जिनको अभी हमने पढ़ा, और इनके विधानवाचक वाक्य के मूल आधार पर किसी भी विधानवाचक वाक्य के सभी भावों को प्रयुक्त किया जा सकता है। उदाहरण में देखिए कि विधानवाचक वाक्य है क्या है, अनुनय रायपुर में रहता है। अब इसमें आदिबोधक में देख, अरे अनुनय रायपुर में रहता है। प्रश्नवाचक वाक्य में इसी वाक्य को कैसे लिखेंगे, क्या अनुनय रायपुर में रहता है क्या। फिर निषेधवाचक में, अनुनय रायपुर में नहीं रहता। संदेहवाचक वाक्य में, शायद अनुनय रायपुर में रहता है। आज्ञावाचक में आ गया, अनुनय तुम रायपुर में रहते हो। प्रश्नवाचक में आ गया,
इच्छावाचक में आ गया काश अनुनय रायपुर में रहता, और संकेत वाचक में यदि अनुनय रायपुर में रहता। अब हम देखते हैं चित्र आपको दिख रहा है। अभी हमने देखी कि रचना के आधार पर वाक्य आठ प्रकार के होते हैं, सॉरी क्षमा करना, अर्थ के आधार पर वाक्य आठ प्रकार के होते हैं और रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पर ये वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला सरल या साधारण वाक्य, दूसरा मिश्रित वाक्य और तीसरा संयुक्त वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य के तीन प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। बच्चों ये छोटे छोटे प्रश्न आते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं या रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा अर्थ के आधार पर आठ होते हैं और रचना के आधार पर तीन होते हैं। अब देखते हैं रचना की दृष्टि से वाक्यों के भेद। तो पहला है सरल या साधारण वाक्य। जिन वाक्यों से एक ही क्रिया का प्रयोग होता है वहां पर एक ही उद्देश्य और एक ही विशेष होता है, ऐसे वाक्यों में सरल या साधारण वाक्य कहा जाता है। फिर से सुनिए, जिन वाक्यों में एक ही क्रिया और एक ही उद्देश्य होता है वहां पर सरल या साधारण वाक्य होता है। उदाहरण के रूप में अनुज भोजन करता है, साधारण वाक्य हो गया। अनुज क्या कर रहा है? भोजन कर रहा है। तो अनुज भोजन करता है, ये है आपका सरल या साधारण वाक्य। इसमें उद्देश्य क्या है? कर्ता। दूसरा है छात्र खेल रहे हैं, तो छात्र खेल रहे हैं में छात्र हो गए, उद्देश्य हो गया। इसमें लिखा एक उद्देश्य होता है तो छात्र उद्देश्य हो गए, और खेलना कौन क्या होता है? क्रिया हो गई। बच्चे खेल रहे हैं क्रिया, वे बच्चे पढ़ रहे हैं क्रिया, सोना क्रिया आपने पढ़ा होगा, अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया पढ़े होंगे आपने पिछले क्लासों में। अब आता है मिश्र वाक्य। जैसा आपको नाम से समझ में आ रहा, मिश्र मतलब वह दो चीजों से मिलकर बना है, मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त एक या उससे अधिक समीप की क्रियाएं होती है जिससे किसी कार्य और उसके सूचक वाक्य या उपवाक्य होता है, क्या कहलाता है? मिश्र वाक्य कहलाता है। फिर से सुनिए, मिश्र वाक्य में एक साधारण वाक्य और इसके अतिरिक्त मिश्र वाक्य में एक साधारण वाक्य और इसके अतिरिक्त एक या एक से अधिक क्रियाएं होती हैं, सहायक क्रियाएं होती हैं, और सहायक वाक्य अपने आप में पूर्ण नहीं होता किंतु मुख्य वाक्य के साथ मिलकर वह अर्थ स्पष्ट करता है, मिश्र वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण शास्त्रों में लिखा है कि अपने से बड़ों का आदर करो। उदाहरण शास्त्रों में लिखा है अपनों से बड़ों का आदर करो। तो शास्त्रों में लिखा है यह क्या हो गया? ये एक प्रधान उपवाक्य हो गया। शास्त्रों में लिखा है यह प्रधान उपवाक्य अपनों से बड़ों
तो अभी अपन ने पढ़ा है कि सहायक वाक्य अपने आप में पूर्ण नहीं होता, किंतु जब वह मुख्य वाक्य के साथ मिल जाता है तो वह अर्थ स्पष्ट करता है। फिर है इसकी तीसरा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में एक से अधिक साधारण वाक्य और उसके अधीन कई सहायक उपवाक्य होते हैं। एक से अधिक साधारण वाक्य और इसके अधीन बहुत से छोटे छोटे उपवाक्य होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहा जाता है। अर्थात दो या दो से अधिक मिश्र वाक्य मिलकर अवयवों की सहायता से संयुक्त वाक्य का निर्माण करते हैं। इसका उदाहरण है, मैं घर गया और मैंने थैला उठाया, वहां से बाजार जाकर कपड़े खरीद कर लौट रहा था कि आप मिल गए। उदाहरण, मैं घर गया, थैला उठाया, वहां से बाजार जाकर कपड़े खरीद कर लौट ही रहा था कि आप मिल गए। इस उदाहरण में मैं घर गया और खरीद कर, ये क्या हो गए? मुख्य वाक्य है। अभी आपने पढ़ा है कि एक मुख्य वाक्य और बहुत से सहायक वाक्य मिलकर संयुक्त वाक्य का बनाते हैं। उदाहरण में मैं घर गया हो गया आप और खरीद कर, ये क्या हो गए? मुख्य वाक्य हो गए। और बाकी शेष कौन कौन से? थैला उठाया, थैला उठाकर वहां से मैं बाजार गया और बाजार से मैं लौट रहा था कि आप मिल गए। ये सारे वाक्य क्या है? उपवाक्य है। बच्चों, आज ही आपका यहाँ पर वाक्य, वाक्य की परिभाषा, अर्थ और वाक्य के प्रकार, दो वाक्यों का विभाजन अर्थ की दृष्टि से और रचना की दृष्टि से खत्म होता है। और आप इसको अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करेंगे और नोट करने के बाद उनको याद